हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सीरीज़ का आपका दूसरा वीडियो है। इसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन यानी कि टूरिज़्म से संबंधित कुछ स्पेशल जानकारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑनलाइनर इसमें आज कवर करेंगे इस वीडियो में। और इसके वीडियो में आज आपको हम इस जानकारी के और इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें उत्तर प्रदेश टूरिज़्म और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बात करेंगे, जो प्रमुख स्थल हैं ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करके पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। तो पर्यटन विभाग की जो स्थापना है, पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। पर्यटन निदेशालय की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। और पर्यटन पुलिस का गठन, पर्यटन पुलिस यानी कि जो टूरिज़्म के लिए स्पेशली जो पुलिस है उसका गठन जो है, यहाँ पर गलती से 200 लिख गया था, सॉरी 2000 होगा यहाँ पर, तो 2001 और सन 2000 के बीच में की गई थी। ठीक है, सन 2000 और 2001 के बीच में की गई थी। इसके बाद पांचवा पॉइंट है पर्यटन को उद्योग का दर्जा। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा यानी कि इंडस्ट्री का दर्जा जो है टूरिज़्म को कब दिया गया था, वो दिया गया था 1989 में। ठीक है, 1989 में। छठा पॉइंट देखते हैं ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की नीति की घोषणा जून 2015 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना, इसके बाद देखते हैं सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट हमारा बर्नलाइनर है महानगरों में होम स्टे के अंतर्गत। ठीक है, होम स्टे यानी कि घरों में रुकने की जो योजना है उसके अंतर्गत इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना। ठीक है, होम स्टे के अंतर्गत जो योजना लाई गई थी उसका नाम रखा गया था इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, मई 2008 में ये योजना शुरू की गई थी। इसके बाद आठवां पॉइंट है हमारा निजी मकानों में, यानी निजी जो अपने खुद के लोगों के मतलब अपनी मकान, जैसे जिनका खुद का मकान है उनके लिए बात है, तो अधिकतम 5 कमरे किराए पर दे सकते हैं। और ये 5 कमरे किराए देने पर योजना थी, इसका नाम रखा गया था पेइंग गेस्ट योजना, जिसे आजकल शॉर्टकट में PG भी कहते हैं। बड़े शहरों में आपको PG ज़्यादा मिलते हैं, और PG में क्या होता है, मतलब एक टाइप से हॉस्टल जैसा ही होता है, लेकिन हॉस्टल काफ़ी बड़े होते हैं तो PG जो होता है थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो PG को पेइंग गेस्ट योजना जो है इसका नाम दिया गया था, और पेइंग गेस्ट योजना जो है इसकी शुरुआत सन 1994 से की गई थी। ये पहले भी हो रहा होगा, लेकिन जो कह सकते हैं आधिकारिक रूप से या सरकार की मर्जी से इस योजना का नाम जो है वो 1994 से ही दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं अपना नवा पॉइंट, ये है पर्यटन को राज्य सरकार की सहायता योजना है। मतलब पर्यटन को राज्य पर्यटन से जुड़े हुए जो, या कह सकते हैं पर्यटन मतलब टूरिज़्म, ठीक है, तो टूरिज़्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको राज्य सरकार की एक सहायता योजना जो थी, उस सहायता योजना का नाम है राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना। क्या है, राज्य पूंजी निवेश उपादान, ठीक है, उत्पादन नहीं, उपादान योजना। ठीक, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पर्यटन के लिए पूंजी निवेश योजना। ठीक है, पर्यटन के लिए पूंजी निवेश योजना, ठीक है, देखिए ए वाली जो थी ये सहायता योजना थी, जो अभी इससे पहले की बात की थी, ये है सहायता मतलब हेल्प थोड़ा बहुत देना, लेकिन ए है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट निवेश, जिसमें बाहर से या देश के लोग ही पैसा लगाते हैं। तो इस योजना का जो है नाम था एकल मेज प्रणाली, हिंदी में बोलेंगे एकल मेज प्रणाली, और इंग्लिश में बोलेंगे तो सिंगल डेस्क सिस्टम। ठीक है, सिंगल डेस्क सिस्टम जो था निवेश के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ग्यारहवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के 3 स्मारक कौन कौन से हैं। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची है उसमें ताज है, यानी कि ताजमहल है 1983 में रखा गया था इसे, आगरा का किला 1983 में, ये दोनों मतलब ताजमहल और आगरा का किला दोनों एक साथ रखे गए थे। इसके बाद फतेहपुर सीकरी में, जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा जो बना हुआ है, ये 1986 में इसे रखा गया था। तो फतेहपुर सीकरी जो है उसको 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं,
अब 12वां पॉइंट हम देखते हैं अपना, ये है राज्य में इको पर्यटन नीति। ठीक है, इको पर्यटन नीति यानी इको टूरिज्म पॉलिसी जो थी वो कब लाई गई थी, वो लाई गई थी सन 2014 में। कब लाई? सन 2014 में। इसके बाद 13वां नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देते हैं, 13वां पॉइंट वो है प्रथम पर्यटन नीति। ठीक है, पहली टूरिज्म पॉलिसी जो थी वो कब लाई गई थी उत्तर प्रदेश में, वो लाई गई थी 1998 में। ठीक है, 1998। ठीक है, तो 1998 इसके अंतर्गत कुल जो थे प्रथम पर्यटन नीति के अंतर्गत कुल 7 पर्वतों का चयन किया गया था। 7 पर्वत मीन सर्किट। ठीक है, 7 सर्किट बनाए गए थे प्रथम पर्यटन नीति के अंतर्गत और 7 सर्किट बनाए गए थे दूसरी पर्यटन नीति के अंतर्गत। तो पहले हम इसमें देखते हैं प्रथम पर्यटन नीति के अंतर्गत बनाए गए 7 पर्वत, और इस पर्वतों में कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो शामिल किए गए थे। सर्किट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एक नाम दे दिया उस चीज़ का, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो भी ट्रांजिस्टर या जो भी कुछ उसमें मदरबोर्ड जो बनाया जाता है उसका, तो उसके अंदर भी जो चीज़ें होती हैं उसको सर्किट ही तो बोलते हैं। तो ऐसे इसमें मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके उन चीज़ों को रखा गया है और उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, मतलब कई स्थानों को एक साथ कनेक्ट करके। तो पहला इसमें है जो पर्वत यानी पहला सर्किट है तो उसको ब्रज पर्वत इसका नाम है। इसके अंतर्गत मथुरा वृंदावन यानी कि उसी का ब्रज जो है ब्रज क्षेत्र, ब्रज पर्वत मतलब ब्रज के आसपास का एरिया। तो ब्रज में मथुरा वृंदावन हो गया, आगरा और कृष्ण जी से संबंधित जितने भी उनके लीलाओं से संबंधित जुड़े क्षेत्र हैं जैसे बरसाना है, नंदगांव है, ठीक है, तो वो सब ब्रज पर्वत में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बुंदेलखंड पर्वत। अब बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड के नाम से बुंदेलखंड के आसपास का एरिया। ठीक है, बुंदेलखंड जो है लगभग मान के चलो कि आप जो MP से लगे हुए ज़िले हैं वो बुंदेलखंड में आते हैं। तो क्योंकि पहले बुंदेलखंड मतलब आज़ादी से पहले किसी समय एक रियासत मतलब एक राज्य था, तो उसी के हिस्सा कुछ हिस्सा जो है UP में, कुछ हिस्सा हमारा MP में पहुंच चुका है। तो इसका इसमें आता है झांसी, ललितपुर, किसमें, बुंदेलखंड वाले में, देवगढ़, चित्रकूट, कालिंजर और उसके आसपास का क्षेत्र। अगला आता है बौद्ध पर्वत। तो बौद्ध पर्वत में जो है पर्टिकुलर कोई स्थान की बात नहीं है, बस भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो पवित्र स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीच में चैनल का नाम लिखा है हमारा SK एजुकेशन पीलीभीत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए अभी। ठीक है, इसके बाद चौथा जो पर्वत है वो है विंध्य पर्वत। ठीक है, ये सभी जो हैं पहली जो पॉलिसी लाई गई थी 1998 में उसके अंतर्गत हैं ये वाले। ठीक है, तो विंध्य पर्वत जो है वो विंध्यांचल और सोनभद्र आदि के क्षेत्र में। ठीक है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी वगैरह जो है उसके आसपास का एरिया और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पास का क्षेत्र। इसके बाद अवध पर्वत, लखनऊ के आसपास का जो एरिया है वो अवध में आता है। तो इसमें लखनऊ हो जाएगा, इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज है जिसका नाम वो, ठीक है, और उसके आसपास का क्षेत्र, मध्य का मतलब उसी के आसपास से लगा हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो अवध की बात करें तो अवध के आसपास का एरिया। इसके बाद देखते हैं छठा पर्वत, तो इसका नाम दिया गया है वन इको एवं साहसिक पर्यटन पर्वत। ठीक है, तो इसमें देखिए नाम से ही लग रहा है वन के बारे में होगा, तो राज्य के जितने वन जीव अभयारण्य हैं, ठीक है, और वन विहार हैं और इको पर्यटन स्थल हैं वो सभी इसी में आएंगे। किस में आएंगे? इस छठे वाले में आपके वन इको साहसिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत। सातवां और लास्ट है जल विहार पर्वत, तो इसमें ऐसे क्षेत्र या ऐसे जलाशय आएंगे जहाँ पर जल क्रीड़ा संभव हो, मतलब जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जो होता है वो पॉसिबल हो सके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नई पर्यटन नीति, या कह सकते हैं दूसरी पर्यटन नीति 2016। ठीक है, तो दूसरी पर्यटन नीति या नई जो पर्यटन नीति 2016 में लाई गई थी, जिससे अंतर्गत 7 नए पर्वत जो हैं चुने गए थे। पहली वाली में भी 7 हैं और दूसरी वाली में भी 7 हैं। पहली आई थी 1998 में, ये आई है 2016 में। तो इसके अंतर्गत जो है पहला जो पर्वत हमने, ठीक है, इसका नाम दिया गया हेरिटेज आर्क। क्या नाम दिया गया? हेरिटेज आर्क इसका नाम है। ठीक है, थोड़ा नाम ध्यान के, तो हेरिटेज आर्क इसका नाम दिया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत जो है आगरा, लखनऊ, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र आएगा। ठीक है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी के आसपास का। इसके बाद आता है रामायण पर्वत, रामायण सर्किट। ठीक, तो रामायण सर्किट जो होगा या कहते हैं रामायण पर्वत जो है, इसके अंतर्गत रामायण में बताए गए जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी इसी में आएंगे। ठीक है, यूपी में रामायण में जितने
संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे अयोध्या है, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र है, और इसके बाद जो है चित्रकूट हो गया, ठीक है, पंचवटी वगैरह जो है वो है, ठीक है, चित्रकूट है तो हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरा जैन पर्वत, तो जैन इसमें जैन धर्म से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं वो आएंगे। चौथा पर्वत है सूफी पर्वत, ठीक है, इसमें सूफीवाद से जुड़े हुए, सूफीवाद क्या कहते हैं, मुस्लिमों में एक उदारवादी जो होता है कहते हैं संगठन, मतलब एक उदारवादी लोगों की एक अपनी विचारधारा होती है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं। इसके बाद पांचवा पर्वत है स्वतंत्रता संग्राम पर्वत, ठीक है, इसका नाम से ही लग रहा स्वतंत्रता संग्राम, तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनको रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जैसे अपना बिठूर हो गया कानपुर में, ठीक है, और बाकी लगभग जितने जो हैं स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उससे संबंधित क्षेत्र। इसके बाद छठा जो है महाभारत पर्वत, इसमें महाभारत काल से जुड़े हुए जितने स्थल हैं उनको रखा जाएगा। सातवा और लास्ट जो है इसमें वो है क्राफ्ट कुजीन और कल्चर पर्वत, ठीक है, क्राफ्ट कुजीन और कल्चर, ठीक है। इसके अंदर क्राफ्ट में क्या आता है, क्राफ्ट मतलब हाथ से जो कारीगरी की जाती है वो, ठीक है, इसमें हस्तशिल्प हो गया, बुनकरी हो गया, ठीक है, इस तरह के, और कुजीन मतलब जिसमें नए नए प्रकार के व्यंजन, अच्छे अच्छे व्यंजन जो हैं राज्य की पहचान रखते हैं, कुछ विशिष्ट व्यंजन वो। और इसके बाद कल्चर पर्वत में आ जाएगा विशेष सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कल्चरल जो पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सात पर्वत ये हो गए नई जो नीति है उसके अंतर्गत, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जिसमें हम आपको पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो अपलोड हो चुकी हो, ठीक है, तो कीप इन टच, जय हिंद।